इस भव्य और दिव्य कार्यक्रम जिसके आशीर्वाद के बीच हो रहा है, ऐसी कीर्ति किशोरी जी, भारत विकास परिषद की सुरभि शाखा के सभी पदाधिकारी और सदस्यगण मौजूद इस कार्यक्रम में, जिन लोगों ने सहयोग किया है वे सभी महानुभाव मंच पर मेरे साथ आगरा के निवर्तमान महापौर नवीन जी, 29 तारीख को हमारी पार्टी के शहर के प्रधान खेलवा भानु जी, डीजीसी बसंत गुप्ता जी, सभी का नाम जानता हूँ, घूमता चलूंगा तो बहुत देर हो जाएगी, सभी जी उपस्थित बंधु मातृशक्ति, अच्छा वो सब्जी नहीं कर रहे। मैं सबसे पहले इस संस्था को इसलिए बधाई देना चाहूंगा कि जिन कन्याओं ने कल्पना नहीं की थी कि इतने भव्य और दिव्य कार्यक्रम में उनका विवाह संपन्न होगा, वह संपन्न हो रहा है। जब समाज खड़ा होता है किसी अहद को लेकर, किसी संकल्प को लेकर, तो बूंद बूंद से ऐसे भव्य आयोजन होते हैं, और जिन्होंने इस आयोजन में अपनी भूमिका अदा की है तन मन धन से, वह सभी बधाई और साधुवाद के पात्र हैं। हमारे देश में संतों की कृपा से, उनके आशीर्वाद से, उनके दिशा निर्देशन से बड़े काम हुए हैं। यहां तक कि रावण भी जब मारा गया, प्रभु श्री राम ने मारा, तो उन्हें संतों का आशीर्वाद था। अयोध्या से लेकर जब लंका तक पहुंचे तो न जाने कितने संतों ने अपने अपने आशीर्वाद दिए, तब रावण जैसे शक्तिशाली आदमी का वध हुआ। इसलिए संतों की कृपा से यह कार्य संभव हुआ है, और मुझे भी ईश्वर की कृपा हुई है कि आज ये तुलसीदास जी ने भी लिखा है, तो मुझे आज हरि की कृपा हुई है ऐसा महसूस कर रहा हूं मैं, क्योंकि तो आज के दिन में आगरा रहना चाहता था, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश हुआ कि आप फिरोजाबाद जाइए, फिरोजाबाद गया, वहाँ के कार्यक्रम को संपन्न करके सीधा यहाँ आ रहा हूँ। बीच में आगरा में एक हादसा हो गया, दुखद हादसा वहाँ होता हुआ आया हूँ। तो इस सामूहिक विवाह, जिस तरह से प्रभु श्री कृष्ण ने गोवर्धन उठाया था, हर एक ग्वाल बाल का उसमें सहयोग था डंडे के रूप में, ऐसे ये गोवर्धन आप सबने मिलकर उठाया है गरीब कन्याओं के, वंचित परिवारों की कन्याओं का। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है, आदर्श कार्य है, महायज्ञ के बराबर है। कहते हैं कि किसी एक कन्या का विवाह संपन्न कराना 10 महायज्ञ के बराबर होता है, तो यहाँ तो 7 है और अगली बार 70 की बात करी गई है, तो 7 का मतलब 70 तो अभी हो ही रहे, 70 का मतलब 700 होंगे। तो इसमें आप सबको जो प्रेरणा आपके संगठन ने दी है, सुरभि एक अपनी महक पूरे शहर में फैला रहा है, भारत विकास परिषद तो एक संस्था है ही, लेकिन सुरभि जो उसकी शाखा है, इसकी सुगंध हम सब लोग पूरे शहर में देखते हैं, सुनते हैं, सूंघते हैं और महसूस करते हैं। जिस कभी खुशबू का कोई रंग नहीं होता, कोई दिखती नहीं है, बच्चे की मुस्कुराहट का कोई अर्थ नहीं होता, ऐसे ही आपकी ये सुरभि सुगंध जो है वह दिखती नहीं है, महसूस होती है, और जो महसूस होता है वह ज्यादा सुखद होता है। इसलिए आप सब बधाई के पात्र हैं, धन्यवाद।